नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। आपको बता दें, मुजेसर थाना पुलिस ने कल एक मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमा नंबर 378 पोस्को एक्ट 6-8 और 506 IPC के तहत। आपको बता दें, कल यहीं पर एक नाले में एक लड़की कूद गई थी, उसने पहले से चूहा मारने वाली दवाई खाई थी, यानी जहर खाया था। उसके बाद भी पता नहीं उसने क्या सोचा, यहाँ नाले में कूद गई। हमारे साथ वो चश्मदीद हैं जिन्होंने लड़की को नाले से निकाला, उसे नहलाया धुलाया और उससे कुछ जानकारी हासिल की वारदात के बारे में। उससे पूछा कि वो किस वजह से इतनी परेशान थी कि नाले में कूद गई, उसे कौन इतना परेशान करता था जिसके डर से वो नाले में कूद गई। तो हम इनसे बातचीत करते हैं जो हमारे साथ में है, जो यहाँ के चश्मदीद हैं। आपको बता दें, मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस कार्रवाई जारी है। आपको विजुअल दिखा देते हैं, इसी नाले में लड़की कूदी थी, आप देख सकते हैं उधर से लड़की आ रही थी और यहीं नाले में कूद गई थी। और ये मछली मार्केट का रास्ता है, उधर प्रेस कॉलोनी है और इधर सेक्टर 22 का इलाका है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ में चश्मदीद हैं जिन्होंने लड़की को नाले से निकाला था, उसे नहलाया धुलाया था। पहले एक लड़का इसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर रामवीर है। क्या देखा था कल आपने? कल एक उस तरफ से लड़की भागती हुई आ रही थी और आके इस नाले में, मैं ऊपर छत पे खड़ा था, वो लड़की यहाँ पे नाले में गिर गई। अच्छा। और उसके बाद वह उसको लोगों ने और हम सब ने मिलकर उसे निकाला बाहर, और उसके बाद कुछ महिलाओं ने संभाला। लड़की कहाँ कूदी थी बताइए थोड़ा सा? वो वहाँ पे कूदी हुई थी बीच में। अच्छा, वहाँ पर कूदी हुई थी। आपने इधर से निकाला उसको? इधर से निकाला, रस्सी से पकड़ के निकाला उसको। रस्सी से पकड़ के आपने निकाला। कितनी उम्र रही होगी लड़की की? लड़की के सर 16-17 साल उम्र होगी। 16-17 यानी नाबालिग थी? हाँ जी सर। अच्छा, और कौन था यहाँ पर? आप भी यहाँ पे थी? हाँ, मैंने देखा नहीं था, लेकिन घर लेके गए थे नहलाने के लिए उसको। अच्छा, आप वहीं पर थे। हाँ जी। किसने नहलाया धुलाया? मैंने नहलाया, इन्होंने नहलाया। आपने नहलाया धुलाया? मैंने भी नहलाया। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी लड़की की? 17-18 साल से कम ही थी। उस वक्त उसकी हालत क्या थी? बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। आपसे कुछ बताया? कोई अंकल है वो धमकी देता है। वो अंकल धमकी देता है। कोई अंकल है धमकी देता है, वो डरी हुई थी। कराटे सिखाता है मेरा। अच्छा, कराटे सिखाता है, कहाँ पर कराटे सिखाता है? कोई नहर पर बीपीडीसी है, वहाँ पे कराटे सिखाता। अच्छा, ये बताया उस लड़की ने आप लोगों से, आपने उसे नहलाया धुलाया, कपड़े आपने पहनाए उसको? अच्छा, हाँ, आप थे उस वक्त। कौन था जो आरोपी है, वो कौन था, क्या बताया? लड़की रोते रोते कह रही थी कि मैं सेक्टर 82 में मैं जूडो कराटे सीखती हूँ और मेरा जो कोचिंग टीचर है वो, उसका नाम रणवीर बता रही थी, और वो हमारे को जैसे कपड़े चेंज करते हुए वीडियो शूट करके और उसके बाद हमारे को ब्लैकमेलिंग करता है, और फिर उसके बाद आरोपी उसके लड़की के बाप को लेके आता है, और तभी हमने उसको बातचीत करा तो उससे पूछा कि रणवीर नाम का कोचिंग टीचर है। मौके पे उनके पड़ोसी ने बताया कि यही कोचिंग टीचर है। जब उससे पूछताछ करने पे और उसके फ़ोन में देखा तो उसने उसके फ़ोन में और भी लड़कियों की वीडियो, अश्लील वीडियो बनाई हुई थी। अच्छा। हाँ जी सर। आपने देखा था फ़ोन उसका? सबने देखा था, लेडीज़ों ने देखा। आप सबने देखा था? कैसी वीडियो थी वो? सेक्सी वीडियो थी, नंगी, बिल्कुल नंगी थी। अच्छा, अश्लील वीडियो थी। किसके साथ थी? उसी के साथ थी जो आरोपी है, वो क्या नाम है, रणवीर। अच्छा, उसकी वीडियो थी, आप सबने देखा था। और कौन है यहाँ पे? हम सारे मोहल्ले के थे। अच्छा, आप सब यहाँ पर थे। अच्छा, वो जब आपको पता चला रणवीर यहीं पर है तो क्या हुआ उसके साथ? रणवीर, उसको कुछ महिलाओं ने घेर कर रखा, उसके बाद पुलिसकर्मी आए। पहले महिला हेल्पलाइन नंबर पे मैंने कॉल किया तो मैडम ने कहा कि इसको किसी के हैंडओवर मत करना, आरोपी को पकड़ के रखना। हमने उसको पकड़ के बैठाए रखा, उसके बाद पुलिस प्रशासन आया। पहले उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए, दूसरी टीम आई तो उनको उस आरोपी को लेके चले गए। अच्छा, और एक बाइक भी थी, वो भी बाइक भी ले गए। अच्छा अच्छा जी सर। तो फरीदाबाद पुलिस ने, मुजेसर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, FIR दर्ज की है, लेकिन हमने सुना है लड़की की हालत सीरियस थी तो उसे सफदरजंग भेज दिया गया। इस बारे में है आपको कुछ जानकारी? सर, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। यहाँ से उसको ले जाने के बाद लड़की के माँ बाप यहाँ पर आए थे? लड़की के फादर आए हुए थे और उनके पड़ोसी भी आए हुए थे। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो ले जाने लगे थे, फिर हम लोगों ने रोका कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की के साथ रणवीर नाम का आपका
लड़की का कोचिंग टीचर है वो उसको परेशान करता है और ब्लैकमेलिंग करता है और फिर उन्होंने बताया कि ये हमारे साथ में ही कोचिंग टीचर है। अच्छा। तब उसको हमने पकड़ा, तब उसके बाद पुलिस में दे दिया आप? हाँ, पूछताछ की। चलो पुलिस में दे दिया, आपका काम खत्म हुआ। आप देखते हैं फरीदाबाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, हम आपको ज़रूर इस बारे में अपडेट देंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये मोहल्ले वाले हैं जो यहाँ पर मौजूद थे। लड़की को उन्होंने नाले से निकाला, उसकी जान बचाई, उसको नहलाया धुलाया, उसको कपड़े पहनाए और उसे पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। जल्द ही इस मामले में आगे का अपडेट दिया जाएगा। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार, जय हिंद।